गुरुग्राम में दिल दहलाने वाला हादसा जो है वो सामने आया है। कार सवार सभी चार लोगों की मौत की खबर मिल रही है। तेज रफ्तार बस ने बोलेनो कार को चक्कर मारी है। फारुख नगर में यह हादसा जो है वो पेश आया है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है पूरी वारदात। बस में मारुति कंपनी के कर्मचारी जो है वो सवार बताए जा रहे थे। तस्वीरों को जरा गौर से देखिए किस तरीके से यह हादसा पेश आया। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे। गुरुग्राम में हम आपको बता रहे हैं कि हादसा हुआ है, जिसमें इस हादसे में कार सवार सभी चार लोगों की मौत की खबर मिल रही है। तेज रफ्तार बस ने बोलेनो कार को टक्कर मारी है। प्रियांक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रियांक, अपडेट चाहेंगे। हादसे में चार लोगों की मौत की खबर मिल रही है, कब यह हादसा हुआ, अभी फिलहाल वहां क्या स्थिति है? जी देखिए, यह हादसा सुबह तकरीबन 6:30 बजे के करीब हुआ, जब चार युवक इस बोलेनो कार में सवार होकर जा रहे थे। उसी समय एक तेज रफ्तार से सफेद कलर की बस आती, आपको सीसीटीवी फुटेज में दिख रही होगी। इस बस में मारुति कंपनी के एम्प्लॉयज थे और ये टक्कर इतनी भयंकर हुई कि जो चालक था बोलेनो कार का, वो अपना संतुलन खो बैठा और कार काफी ज्यादा दूर जाके सड़क के किनारे आखिरकार जाके रुकी। लेकिन बस की जो टक्कर थी उसके इम्पैक्ट से चार जो सवार थे इसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्हें ये अस्पताल ले जाया गया। ये हादसा फारुख नगर इलाका है, गुरुग्राम के अंदर आता है, जहाँ पे इस घटना ये घटना तकरीबन 6:30 से 7 बजे के करीब हुई। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस मामले में जो चारों के चारों कार सवार थे उनकी मौत हुई। जी प्रियांक, फिलहाल परिवार वालों को इन्फॉर्मेशन दे दी गई है? जी बिल्कुल, गुड़गांव पुलिस के मुताबिक परिवार के जो सदस्य हैं, चूंकि मोबाइल फोन, सारा वॉलेट और सारे आरटी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो वहां पे मौके से ही पाए गए थे, उसके बिना पे परिवार वालों को सलाह कर दी गई। लेकिन आप इस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर से देख सकती हैं, जो कि एक पेट्रोल स्टेशन से कैप्चर किया गया है, कि किस तरीके से भयानक हादसा पेश हुआ। वहां पे पेट्रोल पंप के कर्मचारी थे, उन्होंने बस एक धमाके जैसी आवाज सुनी और जब वो वहां पे पहुंचे तो पाया कि ये चारों के चारों शख्स जो थे उनकी मौत वहां पे मौके पे ही हो चुकी थी। हालांकि उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां पे उन्हें मृत घोषित किया गया। लेकिन सीसीटीवी की तस्वीरें जाहिर सी बात है बहुत ही ज्यादा डराने वाली हैं हर उस शख्स के लिए जो सड़क पे ट्रैवल करता है। और जिस तरीके से ये गाड़ी आके बोलेनो कार से, उसको देख के ही साफ तौर से प्रतीत होता है कि जितने भी लोग। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांक तमाम जानकारी के लिए।